रबड़ी मेकिंग बिजनेस, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नए खाद्य व्यवसाय की जानकारी। आज हम लेकर आए हैं कुछ मीठा, जिसका नाम सुनते ही सबके मुंह में मिठास घुल जाती है। वो है रबड़ी। ये स्वीट डिश सभी को बहुत पसंद होती है। रबड़ी को मिल्क से तैयार किया जाता है। आजकल रबड़ी की डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा है। अगर आप रबड़ी मेकिंग बिजनेस करेंगे तो आप भी काफी मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं इस बिजनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले आपको बता दें कि इस व्यवसाय को शुरू करने में हमें कितने एरिया की जरूरत होगी। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लगभग 3000 से 4000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होती है। वैसे एरिया आपके प्रोजेक्ट साइज पर डिपेंड करता है। मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए मशीन्स और इक्विपमेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए आइए जानते हैं कि कौन से मशीन का इस्तेमाल करके हम रबड़ी बना सकते हैं। मशीन्स में आपको बॉयलर सिस्टम, मिल्क पैस्चराइजर, मिल्क चिलर, रेफ्रिजरेशन प्लांट, मिल्क रिसेप्शन सिस्टम, फिलिंग एंड इंडक्शन सीलिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ इक्विपमेंट्स में आपको मिल्क स्टोरेज टैंक, लार्ज यूटेंसिल्स, जनरल किचन टूल्स, हीटिंग टैंक की जरूरत पड़ेगी। अब जान लेते हैं रबड़ी मेकिंग बिजनेस में यूज होने वाले रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल के बारे में। रॉ मटेरियल, मिल्क, क्रश्ड पनीर, शुगर की आवश्यकता होगी और इसके साथ ही फूड ग्रेड पैकेजिंग मटेरियल की भी आपको आवश्यकता होगी। प्रोसेस, सबसे पहले मिल्क को मिल्क कलेक्शन सेंटर से प्रोक्योर कर मिल्क रिसेप्शन टैंक में भरा जाता है। फिर मिल्क को खराब होने से रोकने के लिए मिल्क पैस्चराइजर में पैस्चराइज किया जाता है, जिससे इसमें मौजूद ज्यादातर बैक्टीरिया एलिमिनेट हो जाते हैं। जिसके बाद इसे मिल्क चिलर में ठंडा कर लिया जाता है और जैकेटेड स्टोरेज वेसल्स में लो टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा जाता है। फिर इस मिल्क को रिक्वायरमेंट अनुसार टैंक से निकाला जाता है और एक हीटिंग टैंक में स्लाइटली हीट किया जाता है। फिर इस मिल्क को मैन्युअली निकाला जाता है। अब इस मिल्क को पकने के लिए कढ़ाई में डाला जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारी कढ़ाई का यूज होता है। मिल्क को थोड़ी थोड़ी देर में कढ़ाई बदल बदल कर पकाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दूध रबड़ी बनाते वक्त चिपके ना, और इससे रबड़ी का कलर भी अच्छा आता है। ये सारी प्रक्रिया मैन्युअली होती है। लास्ट की दो कढ़ाई में रबड़ी बनाने का फाइनल प्रोसेस होता है। इसमें कढ़ाई को बड़े चम्मच से लगातार चलाया जाता है और रबड़ी में क्रश पनीर और शुगर डाली जाती है। फिर इसको काफी देर तक चला चला के पकाया जाता है। पकाने के बाद तैयार रबड़ी को ठंडा किया जाता है और फिलिंग और इंडक्शन सीलिंग मशीन में पैक होने के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इन्हें कप में पैक करके मार्केट में सेल के लिए तैयार किया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट, जब हम किसी भी व्यवसाय की बात करते हैं तब सबसे पहले दिमाग में जो चीज आती है वो है इन्वेस्टमेंट और हमें इससे कितना प्रॉफिट होगा। ये जानने के लिए बहुत सी चीजों को ध्यान में रखना होता है। जैसे रबड़ी मेकिंग बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको जिन मशीनों की जरूरत है उनकी कीमत 80 केजी पर डे रेटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी के सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के लिए 20 से 25 लाख के आसपास होगी और करस्पॉन्डिंग टोटल इन्वेस्टमेंट 35 to 39 lakhs होगी। मशीनों की लागत इस बात पर बहुत डिपेंड करती है कि उसका साइज सेमी ऑटोमेटिक है या फुली ऑटोमेटिक है। वहीं इस टाइप और साइज के प्लांट से आप 18 से 24% तक का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अचीव कर सकते हैं। पावर रिक्वायरमेंट, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक लोड की। रबड़ी के बिजनेस के लिए आपको लगभग 18 से 20 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पावर यूसेज बढ़ेगा या घटेगा यह आपके मशीन के साइज और प्रकार पर निर्भर करता है। मैन पावर, इस व्यवसाय को आप 10 से 15 वर्कर के साथ शुरू कर सकते हैं, जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर शामिल है। लाइसेंसेज रिक्वायर्ड, बिजनेस शुरू करने से पहले सबसे जरूरी चीज है लाइसेंसिंग। हर बिजनेस के लिए अलग अलग प्रकार के लाइसेंस होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस बिजनेस के लिए जो लाइसेंस चाहिए वो है FSSAI, GST, उद्योग आधार, NOC फ्रॉम फायर सेफ्टी एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फैक्ट्री लाइसेंस। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी।
इसके माध्यम से 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तित्व इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में अधिकतम 10,00,000 रुपए तक का अनुदान है। लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों जैसे किसान उत्पादक संगठन FPO, स्वयं सहायता समूह SHG, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट 35% तक का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह SHG को SHG फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी देय है। योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, उष्मायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PMFME स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofbi.nic.in पर उपलब्ध है। PMFME एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजनाओं की जानकारी हेतु आप 0130-2281-089 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योगी जानकारी एवं वीडियो निफ्टम वेबसाइट के PMFME लिंक पर उपलब्ध है।